हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मैथ्स ट्रेनर। तो आज हमारा एग्जाम हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, ठीक है। इस वीडियो में हम सी सेट का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ इस साल के पेपर को, तो आई वुड से 80 to 90% ऑफ क्वेश्चन का तो लेवल ही मैच नहीं हो रहा, ठीक है। कि जिस हिसाब से इन्होंने पिछले साल जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा लिए थे, कैट के क्वेश्चन उठा लिए थे, इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है वो आई थिंक मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 53 आई वुड से 45 क्वेश्चंस या 43 क्वेश्चंस लेस देन 1 मिनट के आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस थी, ठीक है, तो आई होप कोई भी ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होगा जो जीएस क्लियर कर लेगा और उसका सी सेट में रह जाएगा, ठीक है। तो एक टेलीग्राम से मैंने ये उठाया है, कोड ए का मास्टर की है, उसके अकॉर्डिंग पहले आप आंसर की देख लीजिए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 80 इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, 5th से लेकर 10th, 15 से 20 ऐसे स्टार्टिंग में हर 10 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश के पैराग्राफ्स थे, ठीक है। सो टोटल ऑफ 53 क्वेश्चंस, आई वुड से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, वो जो 4 ऑप्शंस हैं कि यूजिंग वन स्टेटमेंट, यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, क्लॉक प्रॉब्लम्स हो गई, तो काफ़ी ईजी है। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो डिटेल्ड वीडियो होगी सॉल्यूशंस की वो आपको अराउंड 1 or 2 weeks के बाद अवेलेबल हो जाएगी। वी हैव द सोल्यूशन ऑफ लास्ट 4 years ऑफ एग्जाम अपलोडेड ऑन द चैनल, सो इफ यू आर अ न्यू एस्पिरेंट यू कैन गो थ्रू द चैनल एज वेल। सो लेट अस बिगिन विद द 5th क्वेश्चन। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इन टू 64 आइडेंटिकल पीसेज। आई वुड से 4 अलॉन्ग लेंथ, 4 अलॉन्ग ब्रेथ एंड 4 अलॉन्ग हाइट, सो 12 शुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज इन द एक्सप्रेशन 5, 4, 3, 2, 1, ये स्टार आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से चूज करवाने हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो इसका हम जीरो का ट्राई करेंगे और ये जीरो बन जाता है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट, इसमें के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 10, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आता है, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट वन। एक्स वाई जेड कैन कम्प्लीट अ वर्क, फिर से 6, 8, 8 ऑल्टरनेटिवली काम करना है, कोई भी बंदा 2 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता, तो 6, 8 पहला 2 आवर्स का एक डबलेट होगा, फिर 2 आवर्स 6 आवर 45 मिनट करेक्ट आंसर आता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो सून। 9th क्वेश्चन, इसमें एक तो 2 की पावर गिननी होती है और एक 5 की पावर गिननी होती है, जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। K ऑब्वियसली ज्यादा है m से और m की वैल्यू है 200, सो दैट इज द आंसर। दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ विच डेट वॉज इज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब। तो 64 होता है ये नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और जो परफेक्ट क्यूब भी होता है, स्मॉलेस्ट की बात करें अगर हम, तो AP का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आंसर इज 8 10। नेक्स्ट, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द आंसर इज 3 and 37 बट नॉट 2। तो हो सकता है काफ़ी लोगों का गलत हुआ हो, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो, अदरवाइज इट इज ईजी बिकॉज इट इज अ इवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 20% आंसर है इसका। दिस इज अगेन सिंपल बट हो सकता है इसमें गलती होगी हो, क्योंकि उन्होंने राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग 0 पूछा है, तो 30 जो नीचे है उसको लिखेंगे 3 into 10, 10 को इग्नोर कर देंगे, 3 की पावर 30 का जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, दिस इज यू नो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहूँगा मैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक ही मतलब 2 ही होगा वो नंबर, जबकि 2, 3 और 6 तीनों नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, अराउंड 1 मिनट लग सकता है इसको सॉल्व करने के लिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी रहता है, आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस इज अ सिंपल वन, जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5 और 7 ही होते हैं, तो जो भी इन्होंने कैन बी करके लिखा है वो आप परम्यूटेशन बना सकते हैं, 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, आंसर इज 1 and 3 आर करेक्ट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे इस टाइप के, आंसर इज सी। दिस इज अगेन सिंपल, आंसर इज ए 30,000, जो रेशो है वो आपको जैसे भी 2000 में 400 ज़्यादा है तो 1200-800 करके आपको लेना है उसमें। नेक्स्ट इज पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 20%। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि पी, क्यू और आर में से किसको 100 लेना है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आंसर इज 56.25 और हो सकता है काफ़ी बच्चों ने प्रैक्टिस किया हो।
27, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 4x और x बाय 4 लेके कर सकते हैं आप, या फिर 100 और 25, 100 425 के हिसाब से भी कर सकते हैं। आंसर इज 93.75। ये क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से होगा, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम के बिना इसको करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज के ऊपर बनाया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्चुअल वन, छोड़ देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो वी हैव टू सिक्योर ओनली 33.33% मार्क्स। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज अगेन अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इट विल टेक यू अराउंड 90 seconds टू 2 minutes टू सॉल्व दिस, बट इट इज टू इक्वेशन टू वेरिएबल। आंसर इसका आता है आई थिंक 30 ईयर डिफरेंस है, 80-50 परसेंटेज आएगी आपकी, और 10-40 वो आएगी एन ईयर्स बैक वाली। इससे आसान क्वेश्चन कहीं भी नहीं हो सकता, किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता। दिस इज अगेन सिंपल, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी, है ना। तो 18, 27, 36, 45 और इसके उल्टे 4 और पेयर, ठीक है। तो उन्होंने नहीं बोला कि x और y में से कौन बड़ा है, तो 8 की 8 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, आई वुड से SSC CHSL लेवल। द आंसर इज 42। अगेन CGL और CHSL टायर वन लेवल, सिंपल। 2025 और 2031 का कैलेंडर सेम होगा, कि 2028 बीच में लीप ईयर आ रहा है और हर साल एक दिन पड़ता है, 6 साल का गैप होगा। दिस इज अगेन सिंपल, यू कैन टेक वैल्यूज, और अगर आपको इतना पता है कि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, तो यू कैन डू दिस। आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। 40, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेसिक्स ऑफ टाइम एंड टाइम क्लॉक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज 45, सबसे आसान है। 1 से 100 तक कोई भी नंबर 20 बार आता है, फिर 200 तक, फिर 300 तक, माइनस कर देंगे जो भी 260 से 300 होगा। आंसर इज 56। अगेन कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग क्वेश्चन, 90 सेकेंड से प्लस लगेगा आपको। 84 इज द आंसर, ओके। डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो। नेक्स्ट वन इज पर्सन बाय थ्री आर्टिकल, अगेन PQR आपको फिर से 100 लेना पड़ेगा, एक को कैलकुलेटिव है। आंसर इज 1350, बट इट इज डुएबल, वेरी डुएबल। सम ऑफ डिजिट्स, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, बट द आंसर इज ए, ठीक है। क्योंकि जो सी प्लस ए है वो कैरी फॉरवर्ड होके सी ही बन रहा है, तो ए शुड बी 9। इसके ऑप्शन अगर 3, 4, 5, 6 होता तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छा मानता, ठीक है। अभी के लिए दिस क्वेश्चन इज एवरेज, ठीक है। पिछले साल के हिसाब से जिसने तैयारी की थी इस साल की, वो ये क्वेश्चन कर लेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, ठीक है, मर्ज्ड विद टाइम एंड वर्क, ठीक है। दिस इज अ सिंपल वन, जो सेकंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। एक ऑरेंज और एक मैंगो की कॉस्ट मिला के एक एप्पल की आ जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर इज 10। अगेन जिसको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई वो कर लेगा, ठीक है। दोज हू हैव गिवन एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स विल फाइंड इट वेरी इजी। आंसर इज 5। ये डायरेक्शन टेस्ट का रिवर्स करवा लिया इन्होंने, ठीक है। आंसर इज साउथ, आई थिंक दिस इज डुएबल। देन वी हैव, दिस इज अगेन डुएबल, आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ना ही तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ना ही ये पता चलता है कि इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि दैट इज यू नो प्रोडक्शन वर्सेज डिमांड। तो नीदर ऑफ द कंक्लूजन विल फॉलो। अभी कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हैं, इसमें हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मेरा आंसर गलत भी हो, तो यू कैन बियर विद दैट। बट येस, इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यूनिक वैल्यूज मिल रही हैं क्या आपको, तो अगर वो हर क्वेश्चन में लिखा होता तो सारे क्वेश्चन आंसर करने ईजी हो जाते, ठीक है। अब जैसे ये है एम प्लस एन ग्रेटर देन एम एन, अब n को आप 1 ले लो, ठीक है, और हर पेयर m प्लस एन ग्रेटर देन mn आएगा, ठीक है। जैसे 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 10 इंटू 1, 20 प्लस 1 ग्रेटर देन 20 इंटू 1, तो प्रोडक्ट आ जाता है 24, तो 24 प्लस 1 ग्रेटर देन 24 इंटू 1, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट से होगा आई थिंक, सो दिस इज द आंसर। इसमें भी स्पीड और स्पीड ऑफ डेटा और साइज ऑफ डेटा दोनों पता होना चाहिए, तभी टाइम रिक्वायर्ड आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो सिंपल, 6 और 2 आ जाएगा, यूनिक की बात हो रही थी आई थिंक, सो दिस इज द आंसर। अगेन 3 पर्सन हैं एक्स वाई जेड, तो 3 इक्वेशन चाहिए, दोनों को मिला के भी आंसर नहीं कर पाएंगे। दिस वन बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है ये, ठीक है, पता नहीं क्यों बनाया उन्होंने। एक्सक्लूजन ऑफ द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी कमेंट इन्होंने नहीं किया इस क्वेश्चन में।
ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एक ही आई थिंक ऑडिट पेयर बचता है इसका, तो आई वुड से कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. द आंसर इज आई थिंक 3 and 5 इज 8 एंड 11 इज 19. यस, दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर आई सपोज. ओके, वही याद क्वेश्चन अगेन, पता नहीं क्यों बना रहे हैं ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, कैन नॉट बी आंसर, ऑब्वियसली 2x + 1 इंटीजर से क्या पता चलता, कुछ भी पता नहीं चलता. अगर हम इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो ये 3x + 3y आ जाएगा, विट विल बी द सम ऑफ 2 इंटीजर्स a + b. अब हम कैसे बताएंगे a प्लस बी 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो कैन नॉट बी आंसर बाय इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. दिस इज सिंपल वन, p प्लस q प्लस r 50 दिया हुआ है, 1 16 है और बाकी दोनों उनसे ज़्यादा हैं, तो 17 17 ही होंगे, देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. सो आई थिंक दिस कैन बी आंसर्ड बाय इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स, सो वो तो है नहीं हमारे पास. ठीक है, तो आई वुड से द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन. इसमें आई थिंक यू विल हैव टू, हाँ, इसमें क्या है, पी और क्यू का कंपैरिजन पूछा है, इसमें पी और आर, क्यू और एस का कंपैरिजन आपको मिल जाएगा. यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट कि पी और क्यू का क्या कंपैरिजन है. सो आंसर इज द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है, द डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो. दिस वन इज अगेन स्टेटमेंट टू से ये सिर्फ आंसर हो जाता है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज ऑलवेज द एब्सोल्यूट डिफरेंस. मुझे नहीं पता करना कि पी की एज ज़्यादा है क्यू की एज ज़्यादा है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू यूज करके ये आंसर हो रहा है. सो द आंसर इज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन. ठीक, दिस इज सिंपल. अगर वो डायरेक्टर बनता है या प्रोड्यूसर बनता है, अगर प्रोड्यूसर नहीं बना तो डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर नहीं बना तो प्रोड्यूसर बनेगा, तो बोथ एस पी एंड आर क्यू. ठीक है, दिस इज सिंपल वन. दिस इज अगेन ऑपरेशंस आर रिप्लेस्ड. ठीक है, सब सबने कर लिया हुआ क्वेश्चन. -25 इज द आंसर. दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दिस इज टाइम टेकिंग, सो आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. टाइम लगता है इसमें 2 से 3 मिनट का. द आंसर इज नीदर वन नॉट टू. ठीक है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस पार्ट, बट येस आई गॉट इट, नीदर वन नॉट टू, करेक्ट. इसमें हाँ, दिस इज सिंपल वन, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12. सो 9 × 10 × 11 × 12, सो 2 × 9 = 8, द लास्ट डिजिट शुड बी 8. सो दिस इज द आंसर एक्सेप्ट 0. सिंपल, ए के ए लेके उल्टा कर दिया, फिर ए लेके उल्टा कर दिया, फिर ए लेके उल्टा, तो ए ए एन ई आर ए, सिंपल इनफ. ठीक है, दिस इज अगेन सिंपल, लेवल 2 टाइप ए पी है ये. डिफरेंस निकालिए, फिर उसका डिफरेंस निकालिए, वो ए पी में आ जाता है. आंसर इज 155. दिस इज अगेन यू नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसको मिक्स कर दिया. बट हाँ, जिस लेवल पे लास्ट ईयर किया था उस लेवल पे तो इन्होंने इस बार सोचा भी नहीं करने का. ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 कॉम्बिनेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्यू इक्वल टू 3s है, या तो 4 बार आओगे या 5 15 होंगे. उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन उसमें एक ही जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक ही वैल्यू फिट बैठेगी आपकी. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव given a very good attempt. Okay, thanks a lot for watching. Do share the video with your friends and we'll get you very soon with the solutions of maths. I hope ki aapka paper clear ho gaya hoga. Okay, we'll see you very soon. Till then, goodbye, take care, keep studying and all the best.